देश भर में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में हिंदुओं की आस्था की जीत हुई है और ऐसे लोगों की हार हुई है जो कांग्रेसी संघ देश को बहका रहे थे। आप कहेंगे वो कैसे? जी हाँ, कोर्ट ने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजा करने की हिंदुओं की अपील पर कोर्ट ट्रायल चलाने की परमिशन दे दी है। इसी अपील को रोकने के लिए कांग्रेस सहित ओबीसी जैसों की शह पर कुछ अल्पसंख्यक संगठनों ने याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो बनारस में ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले थे, खुद भगवान शिव के शिवलिंग ने अपने दर्शन दिए थे। इसके साथ ही श्रृंगार गौरी में भी हिंदू देवी की पूजा भी होती रही है, लेकिन कहा जाता है कि राम विरोधी मुलायम सरकार के कहने पर ही 90 के दशक में श्रृंगार गौरी में पूजा करना सीमित कर दिया गया था। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने कोर्ट में पूजा के अधिकार की आज्ञा मांगी थी, लेकिन अब की बार अल्पसंख्यक संगठन ऐसी किसी भी आज्ञा के खिलाफ हो गए। इसके पीछे उनका तर्क है 1991 का वर्शिप एक्ट और 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये एक्ट बने तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसे सिर्फ खास वोट बैंक की ही चिंता थी। तुष्टिकरण का कार्ड खेलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के साथ धोखा किया, वर्शिप कानून बनाकर कह दिया कि आज़ादी के बाद जो जगह जैसी है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, भले ही उसकी जगह नीचे मंदिर का इतिहास भी हो। और तो और 4 साल के भीतर ही वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कह दिया कि चाहे कहीं भी हो, बोर्ड कहीं भी कब्जा कर सकता है। ज्ञानवापी केस के वकील विष्णु जैन की माने तो ये भी कह दिया गया कि जिस पर विवाद होने की सूरत में कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इस बोर्ड में गैर अल्पसंख्यक सदस्य नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए कि कोई आपकी जगह पर इबादत करने लगे तो क्या आपको अपनी जगह पाने का हक नहीं है? इस एक्ट को लाने वाली कांग्रेस के हिंदू विरोधी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस का असली मकसद ही है देश के सांप्रदायिक मोर्चे पर टुकड़े करना और उससे राजनीतिक फायदा उठाना। आपको याद तो होगा ही कि कैसे खुद को सेक्युलर बताने वाले कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल पीएम ने देश के संस्थानों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था। खैर, ये बात तो है राजनीति चंड कांग्रेसियों की और उनकी शह पर पलने वाले कट्टरपंथियों की, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंदू श्रृंगार गौरी में पूजा करें या नहीं, इस पर फैसला जरूर होगा। फैसला कुछ भी आए, लेकिन हिंदू आस्था को कोर्ट में जो सम्मान मिला है, हिंदुओं की बात को सुना गया है, इससे कांग्रेस, सपा और ओबीसी गैंग बौखला चुका है। लेकिन हर देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि देश में मोदी सरकार है और यहाँ पर कानून का शासन है। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के इंसाफ के अनुसार ही होगा। जय हिंद।